मैंने कहा था ना तुझसे पहले स्टार मैं बनूंगा। इनोवेटिव प्रोडक्शन के अंदर खड़ा हूं मैं, तेरे भाई का सिलेक्शन पहले ही हो चुका, तैयार हो जा टीवी पे देखने के लिए। जी कहिए। जी हमारा नाम विशाल है, हम बिहार से आए हैं, वो टीवी सीरियल में सिलेक्शन हुआ था हमारा, तो फोन आया था कि हमको किसका कॉल आया था वो तो मालूम नहीं, किंतु हम वीडियो भेजे थे तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हैं, आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप आ जाइए यहाँ पे, आप अंदर पूछिए ना, हम बहुत ही दूर से आए हैं। अच्छा रुकिए सर, कोई विशाल आया है बिहार से। हाँ क्या करना है? बिहार से डिस्परेट है। हाँ सर अभी रुक के रखो, जब मैं कहने तक बोलना, ठीक है? ठीक है सर। देखिए आपको कोई गलत फहमी हुई होगी, यहाँ से कोई कॉल नहीं गया। ठीक क्या कह रहे हैं आप, हम इतना दूर से आप खाली हाथ थोड़ी ना जाएंगे। देखिए हम समझ सकते हैं, ये तो आप लोगों की गलती है ना, आप लोगों के नाम पे कोई हमको फोन करता है और ये देखिए हमको मैसेज भी तो आया है, पता भी तो यह लिखा है, आप बोलिए। देखिए आप सुन नहीं रहे, अभी यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट पे काम नहीं चल रहा, सर बहुत बिजी है, प्लीज जाइए इस वक्त यहाँ से। हाँ तो मिलवाइए उनसे, हम इतना दूर आए हैं तो आप सर जी से बतिया के ही जाएंगे, आप हमको अंदर आने दीजिए। आप समझ नहीं रहे, अरे आप नहीं समझ रहे हैं, हमको एक बार मौका तो दीजिए, हम बहुत ही अच्छे एक्टिंग करते हैं। देखिए मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आप नहीं गए तो मैं पुलिस को कॉल करूंगा। अरे हद है यार, आप समझते नहीं हैं, हम अपने गांव वालों को काम दिखाएंगे। अरे ससुरा आप प्लीज हमको बस एक मौका दे दीजिए, हम कुछ भी करने को तैयार है भाई, हम कुछ भी करेंगे। ठीक है आ जाइए, पर सर जैसा कहें वैसा ही कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका। जी पाए लगो सर, आओ अभी नहीं रात को। जी हम तो बस पाँव छू, आई मीन पाँव गंदा है ना, तो रात में फ्रेश होने के बाद सही रहता पाँव छूना। तुम आओ बैठो ना। एक मिनट सर जी, गांव से आपके लिए मिठाई लाए हैं। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं, कल से जरूरत नहीं, हमारे अम्मा ने बहुत ही प्यार से बनाया है, लीजिए खाइए। इट्स नाइस, अम्मा बनाई है ना इसीलिए। सो क्या नाम बताया आपने? विशाल प्रसाद। बी और वी, बी है बी आई एस एच एल। अच्छा विशाल। जी विशाल। सो विशाल वेयर आर यू फ्रॉम? उस सर जी कहा है कि अंग्रेजी में दिक्कत है थोड़ा, मतलब आई मीन आप कहाँ से हो? अच्छा कहाँ से, हम तो बिहार से हैं, सिवान जिला श्रीनगर। ओह उस सर जी हमेशा आपको टीवी में देखें तो पहली बार सामने देखकर हम नर्भसिया जा रहे हैं। अरे रिलैक्स, क्या आप भी आराम से खुल के बात कीजिए। तो विशाल आप ये बताइए कि आपने एक्टिंग में क्या क्या किया है? किए होते तो यहाँ थोड़ी होते। दैट्स फनी, आई मीन आपने कभी थिएटर किया है? थिएटर में तो बहुत ही बार किए हैं, तो बगल वाले को एकदम कोना में ले जाकर बैठते हैं और चुम्मे चुम्मे लेते हैं, बहुत ही मजा लिए हैं। काफी नॉटी है आप हैं। तो आपने कहीं से एक्टिंग नहीं सीखा? सीखने की क्या जरूरत है, तो बचपन से करते आ रहे हैं। हमारे बाबूजी हमारे का बहुत ही काम देते हैं, कभी कहते हैं गाय भैंस लेके खेत में जा, तो कभी कहते हो करके गोबर साफ कर। अरे गोबर से याद आया, आते वक्त का देखते हैं कि वो बच्चा गोबर साफ कर रहा था, इस शहरी बच्चा लोगों को गोबर साफ करना नहीं आता, बताइए फिर हम जाके करके दिखाए तब जाके वो सीखा। आपने अभी गोबर साफ किया? हाँ अभी 10 मिनट पहले, मतलब अपने हाथों से? हाँ भैया अपने ही हाथों से, पूरी रगड़ के, कितना मल जमा हो गया था, साफ नहीं करते थे वो लोग। गांव से अपनी मिठाई लाए हैं। पानी, अरे अरे सर जी आप, अरे सर जी को कोई पानी पिलाओ। सर पानी, यहाँ पानी का बॉटल क्यों नहीं आता? सॉरी सर। सर जी सब ठीक है तो? या आई एम फाइन। आप एक्टिंग का कुछ बता रहे थे, बताइए। उन्हें बता रहे थे कि हमारे बाबूजी हमारे के बात बात पे काम देते हैं पर हम करते नहीं। भैया हमको बनना है सुपरस्टार, अब वो सब काम थोड़ी ना करेंगे, यही लिए हम झुटिया लेते हैं, बचपन से एक्टिंग करते आ रहे हैं। ले चुड़ैल एक्टिंग। क्या ले चुड़ैल एक्टिंग है? जानते तो नवाजुद्दीन इरफान खान लोग करते हैं ना उहे। नेचुरल एक्टिंग। हाँ बट विशाल योर डिक्शन इज टू वीक, आपके शब्दों के उच्चारण बिल्कुल सही नहीं है, साथ ही आपका बिहारी एक्सेंट, सो इस बलबूते पे काम मिलना बेहद मुश्किल है। अरे भैया वो हम कर लेंगे, बहुत ही मेहनती है हम, आप हमको बस एक बार चांस दे दीजिए। अच्छा इसके बदले कुछ आता है आपको, डांस वगैरह? अरे वो मैं तो हम बिजली है, अपने गांव में शादी में कोई ऑर्केस्ट्रा नहीं बुलाता, हमें नाच देते हैं। अरे ये क्या बात हुई, ऐसे तो मुझे भी पोल डांस आती है। पोल डांस आती है आपको? सर जी पोल डांस तो नहीं पर रोल डांस जरूर आता है, हमेशा माता के जगराते में ऐसे लेट जाते हैं और रेंगते रहते हैं, बहुत ही मजा आता है। अच्छा एक्शन कुछ? एक्शन, हमारे गांव में जितना पेड़ है सबके फल हमें तो तोड़ते हैं, बानर से एक कदम आगे रहते हैं, ई पेड़ से ऊ पेड़ ऊ पेड़ से हाउ पेड़ तक छलांग मारते हैं, कोई भी कूद फांग करवा लीजिए फिट हैं हम।
आई मस्ट से इस इंडस्ट्री में आपको काम मिलना इम्पॉसिबल है सर जी, प्लीज ऐसा मत कहिए। आपके पास स्टार बनने लायक एक भी क्वालिटी नहीं है, पर एक तरीका है। काम मेरा एक दोस्त है, किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर रहा, उसे फाइनेंसर की जरूरत है। लगभग 10 करोड़ चाहिए होंगे। 10 करोड़? पर उसके बाद अब रातों रात स्टार बन जाएंगे। पर कैसे हो पाएगा? आप चाहे तो मैं लिंक दे सकता हूँ, पर हमको अपने बाबूजी से बतियाना पड़ेगा। गुड, पर मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूँ तो बदले में मुझे क्या मिलेगा? मतलब साफ है, मेरे बारे में आपको थोड़ा बहुत अंदाजा तो होगा ही। सर जी प्लीज कॉम्प्रोमाइज मत कहिए, वो हम नहीं कर पाएंगे। तो जाओ जाओ, अपने बाप के साथ गाय भैंस संभालो। ये सब करते हैं, बस एक बार और फिर तुम सुपरस्टार, किसी को पता नहीं चलने वाला। ये रखो मेरा कार्ड, सारा डिटेल है इस पे। आज रात 11 तक का टाइम है, फैसला कर लेना गाय भैंस या सुपरस्टार। अब तुम जा सकते हो। सर जी प्लीज, आप एक कुछ नहीं हो सकता, इसी तरह काम होता है, जाओ अब। बदला पूर्ण हुआ, एक रिकॉर्डिंग भेज रहा हूँ, दुनिया के जिस कोने तक फैला सकता है फैला दे। मैंने कहा था ना तुझसे पहले स्टार मैं बनूंगा, इनोवेटिव प्रोडक्शन के अंदर खड़ा हूँ मैं। तेरे भाई का सिलेक्शन पहले ही हो चुका, तैयार हो जा टीवी पे देखने के लिए। बे वो फिल्म प्रोडक्शन हाउस के नाम पे सेक्स प्रोडक्शन हाउस है। 2 महीने पहले उस हरामखोर ने मुझे भी बुलाया था, फिर पता चला कॉम्प्रोमाइज और पैसों का लफड़ा है। ये साले नेपोटिज्म को ही बढ़ावा देते हैं। अब चोतिया बन ही चुका हूँ तो काटे बिना जाऊंगा नहीं, तू मेरे कॉल का वेट कर। इनको इनका औकात दिखाते हैं, बस सही है बे। तो चिक्की तो अपना काम करेगा ही, साथ ही आप भी फैलाइए इस वीडियो को बाकियों तक। एंड वी वॉन्ट जस्टिस फॉर सुशांत। धन्यवाद।